सबसे पहले राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो मेरे वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और अभी सुबह के 7 बजे हैं, बट मेरी चाय नहीं हुई है। आप लोगों की चाय हो गई होगी कमेंट करके बताना। और मैं कल का वीडियो जो छोटा सा है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। बात यह है ना कि कल बहुत दिनों के बाद मेरे साहब को फुर्सत मिली, और तो मैं सोची कि चलो मंथ का जो भी ज़रूरी सामान होता है, बहुत तरह के सामान होते हैं, तो वो मैं इनसे शॉपिंग करवा लूँ। तो वही उसी काम के लिए गई थी, तो थोड़ा सा इंटरटेन की, तो वो इंटरटेन के पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब बच्चे होते थे पास में, तब तो इन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी, मुझे भी कोई टेंशन होती, जब जो जरूरी हुआ वो ला देते थे। बट अभी तो कोई है नहीं पास में, तो करना ही नहीं है मुझे ही है, तो मैं जाती नहीं हूँ अकेले, तो इन्हें जाना पड़ा था। तो सोची कि चलो फिर पता नहीं कब इन्हें फुर्सत मिलेगी, क्या काम कर भी देंगे या नहीं भी कर देंगे, फिर मैं ऐसे ही आगे। तो पिछले मंथ में ये घर चले गए थे, तो इकट्ठे सामान नहीं आया था, तो इस बार इस मंथ में जल्दी सामान खत्म हो गया, क्योंकि बेटी आई हुई थी तो वो थोड़ा थोड़ा करके सामान लाई थी। खर्चा तो उतना हो ही गया, बट इकट्ठे सामान नहीं आने से ना ढंग से पता नहीं चलता है कुछ भी, तो इस बार जल्दी ही खत्म हो गया। तो कल मैं सोची कि सारा सामान मैं मंगवा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा, और फिर मुझे वही थोड़ा थोड़ा, तो उससे मेरा मन बहुत चिढ़ता है। इकट्ठे में फिर सही सा रहता है दिमाग, कि हाँ सब कुछ है मेरे घर में, तो मैं पर्ची 1-2 दिन पहले से ही बनाना शुरू करती हूँ। मैंने एक डायरी बना रखी है, उसमें सारा सामान रखी हूँ लिख करके, और उसी से देख देख करके मैं पर्ची बनाती, ताकि कोई चीज़ मिस ना करूँ। अगर कोई नया चीज़ मैं ये करती हूँ, तो मैं पहले डायरी में ऐड करती हूँ, फिर जा करके मैं पर्ची बनाती हूँ। और फिर जब सारा सामान ले ली, तो इनका तो मन था कि घर चले, तो मैं बोली कि नहीं, बहुत रात हो गया है, तो घर जाके मैं नहीं बनाऊंगी। तो बेचारे मेरी खुशी के लिए, इनको बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मेरी खुशी के लिए बोले कि चलो इतने दिनों के बाद थोड़ा इसको भी खुश कर देते हैं। तो वो खुश हुआ और लेके आया मुझे इस होटल में, और इन्हें भी अच्छा लगा। और बोले कि नहीं, मुझे लगता था कि ऐसे नहीं होगा यहाँ पे कुछ बढ़िया, लेकिन है। मैं और भी देखी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, बस ये जो है ना ट्रैफिक का, वो ट्रैफिक बहुत ख़राब है यहाँ का, बाद बाकी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, और खाना भी बहुत ही औसम खिलाया था, बहुत ही अच्छा खाना खिलाया था। तो अब हम लोग खाना वाना खा करके फिर ये मुझे खुश रखने के लिए, तो समझते हैं ना कि ये यूट्यूब पे पिक वगैरह डालती है, तो झूठ मूठ मुझे खुश करने के लिए ना, झूठ मूठ का ला ला कर लो, क्लिक कर लो पिक। तो फिर हम लोगों ने अपना थोड़ा 1-2 पिक क्लिक किया, और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। अब साहब मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, खाना खा करके, पहले तो खाना खाने के लिए ऊपर जाओ, फिर खाना खा कर नीचे आओ, लेकिन अच्छा खाना अभी अच्छा रहता है, और जगह भी अच्छा है ना, तो अच्छा लगा। कभी कभी तो होता है ना, अपनों के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, रोज वही बनाओ खाओ खिलाओ, बनाओ खाओ खिलाओ, बनाओ खाओ खिलाओ, तो ये है कि आज कभी कभी हमें भी नहीं बनाना पड़ता, बना बनाया मिलता तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी इंटरटेन कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।